नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली राजेंद्र नगर में गिरिपुंजी क्लिनिक के अंदर एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को कुप्ती मारकर लहूलुहान कर दिया। घटना का पता चलते ही मौके पर नंदनवन पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच जारी है। आए दिन प्रेमी द्वारा प्रेमिका को जख्मी करने के कई मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसी क्रम में नंदनवन थाना अंतर्गत आने वाले राजेंद्र नगर परिसर में गिरिपुंजी क्लिनिक है। इसी क्लिनिक में मोनाली अरुण तायवाड़े उम्र 25 आई हुई थी। इसी दौरान आरोपी प्रशांत देवेंद्र बारसागड़े उम्र 23 वहां पर आधमका। दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई। तभी तैश में आकर आरोपी प्रशांत बारसागड़े ने जेब से गुप्ती निकालकर मोनाली तायवाड़े के पेट में 3 से 4 बार घोंप दिया। इस घटना से परिसर में खलबली मच गई। इस घटना को गिरिपुंजी क्लिनिक के अंदर अंजाम दिया गया है। इससे कई बातें संदेह के घेरे में आती है। घटना का पता चलते ही नंदनवन थाने की पुलिस मौके वारदात पर आ पहुंची और आरोपी प्रशांत बारसागड़े को गिरफ्तार किया। गंभीर हालत में जख्मी मोनाली को मेडिकल अस्पताल में रवाना किया गया। घटनास्थल पर सब्जी की दुकान में ग्राहक मौजूद थे। मोनाली की चिल्लाने की आवाज सुनते ही परिसर में खलबली मच गई। इस घटना के बारे में नंदनवन पुलिस से बात करना चाहा, लेकिन पुलिस ने साफ मना कर दिया। दर्शकों, इस समय में इंडिसेन की टीम राजीव गांधी चौक के पास खड़ी है। हाल ही में यहाँ पे 10:30 बजे का वो समय था जब इस अस्पताल में, हमारे पीछे गिरिपुंजी का एक अस्पताल आपको दिखाई दे रहा है, इसी अस्पताल में उस काउंटर के बाजू में एक लड़का और एक लड़की दोनों मिलने के लिए आए। उनमें किसी बात को लेकर कुछ अनबन सी हुई, जिसके चलते लड़के ने यानी आरोपी ने लड़की को 3-4 हाथ चाकू के मार दिए, जिसके चलते लड़की की हालत काफ़ी चिंताजनक बताई जा रही है। लड़की को मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, तो वहीं आरोपी को नंदनवन पुलिस थाने ने अटक कर दी है। अब इस पूरे कार्रवाई में नंदनवन पुलिस अपना कामकाज करते हुए दिखाई दे रही है इस समय स्क्रीन पर, और आरोपी को अटक की गई है। लड़की की हालत अभी भी काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। ऐसे में पुलिस इस दिशा में काम कर रही है कि किस विषय को लेके ये घटना हुई है, लेकिन अगर लोगों से जब हमने बात की तो लोगों ने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये मैटर प्रेम संबंध से हो सकता है, और पुलिस इस दिशा में काम कर रही है। राजीव गांधी चौक से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, हिंदी से।